सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक विद इट्स कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक के बारे में। तो चलिए देर किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक और जान लेते हैं कि इंक क्या होती है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक। अगर हम जनरली इंक की बात करें तो इंक क्या है, इंक एक ऐसा लिक्विड है जिसमें क्या होता है, सस्पेंशन होता है पिगमेंट या फिर डाइस का, और जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ राइटिंग या फिर प्रिंटिंग मीडियम। ठीक है, अगर जनरली हम एक इंक की बात करें तो ये कलर्ड लिक्विड है, ठीक है, जिसका हम जनरली यूज़ करते हैं राइटिंग और प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, इंक इज टिपिकली डिफाइंड एज अ लिक्विड ऑफ पिगमेंट और डाइस। ठीक है, पिगमेंट और डाइस का क्या काम होता है, टू इम्पार्ट कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, यूज़ फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है, इंक एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम पिगमेंट और डाइस की हेल्प से एक लिक्विड तैयार करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं राइटिंग और प्रिंटिंग के लिए। अगर हम अदर लैंग्वेज में बात करें या अदर टाइप से इसकी बात करें तो इंक क्या है, एक कलर लिक्विड है। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है कलर सरफेस डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स, लाइक पेंटिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया, या फिर किसी भी तरीके का डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कलर सब्सटेंस, मे बी इट अ डाई, ठीक है, इट मे बी अ डाई और पिगमेंट, उसको क्या करते हैं, हम सस्पेंड कर देते हैं एक लिक्विड में विद स्टेबलाइजर दैट अ पेन कैन पुश अक्रॉस द पेपर। ठीक है, अब टाइम के साथ साथ क्या होता है, इनोवेशंस होते रहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी इनोवेशंस होते रहते हैं, और केमिस्ट्री में इनोवेशंस होने की वजह से टाइम टू टाइम क्या होता है, जो इंक है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जान लेते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में। इंक क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसमें पिगमेंट, डाइज, रेजिन, लुब्रिकेंट, सॉल्युबलाइजर, सर्फेक्टेंट, पर्टिकुलर मैटर, फोर्सेंस एंड अदर कॉम्पोनेंट्स क्या रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं। ठीक है, अब हर एक कॉम्पोनेंट की अपनी एक क्या है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इंक का फॉर्मूला वेरी कर सकता है, ठीक है, विद डिफरेंट मैनुफैक्चर, बट अगर हम एक बेसिक इंक के कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें चार एलिमेंट्स मेनली पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कलरेंट, ठीक है, इट मे बी अ डाई और पिगमेंट। सेकेंड वन इज व्हीकल, ऑल्सो नोन एज बाइंडर। थर्ड वन इज कैरियर सब्सटेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड सॉल्वेंट। एंड इसके साथ साथ हम अदर एडिटिव्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और एडिटिव्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इंक को डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, उसकी जो कलर है उसको एनहांस कर सके, उसका जो पेपर के साथ बाइंडिंग है उसको एनहांस कर सके, है ना। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, अदर एडिटिव्स का यूज़ कर लेते हैं। तो हम वन बाई वन सारे कॉम्पोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलरेंट की। ठीक है, तो कलरेंट क्या होता है, डाइज और पिगमेंट कुछ भी हो सकता है। तो एन इंक कलर कम्स फ्रॉम इधर अ डाई और पिगमेंट। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल पिगमेंट एंड डाइज की। अगर हम नॉर्मली देखें तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि जो डाइज होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, पिगमेंट इनसॉल्युबल होने की वजह से ये डिसॉल्व नहीं करते हैं किसी भी फ्लूइड में, ये उसके अंदर सस्पेंड रहते हैं। ठीक है, और ये सस्पेंड रहते हैं उस कैरियर के साथ, ठीक है, जो इसको फ्लो करता है। तो कैरियर फ्लूइड जो है वो पेपर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जब हम क्या करते हैं, इंक को अप्लाई करते हैं किसी भी पेपर पर। ठीक है, और उस पेपर पर क्या रहते हैं, जब वो सॉल्वेंट है जो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो ये पिगमेंट्स है वो सरफेस पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, उस सरफेस पर कलर प्रोवाइड आ जाता है, मतलब कलर प्रोवाइड हो जाता है या फिर कलर दिखने लगता है। ठीक है, तो जो पिगमेंट है वो 5-30% हो सकते हैं इंक के वॉल्यूम का, डिपेंड करता है कि हम जो इंक की कलर में स्ट्रेंथ चाहते हैं वो कलर की स्ट्रेंथ क्या हो, क्या रखनी है ना। अब जो पिगमेंट बेस्ड जो इंक होती हैं वो वाइडली यूज्ड होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये बहुत कॉस्टली भी होती हैं। ठीक है, और रिज़ल्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेस कंसिस्टेंट रिज़ल्ट होता है इसका। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जो यूवी रेडिएशंस के थ्रू जो ये पिगमेंट बेस्ड इंक है ये क्या करती है, रजिस्ट करती है फेडिंग को। ठीक है,
ठीक है, यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में जब ये पिगमेंट बेस्ड इंक आती है तो ये फेडिंग को रजिस्ट करती है, और इसके साथ साथ इसका जो कलर होता है वो बहुत अच्छा होता है, कलर फास्ट होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी हाई होती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, पिगमेंट जो होते हैं वो सॉल्यूबल नहीं होते, इनसॉल्यूबल होते हैं। इनसॉल्यूबल होने की वजह से ये उस लिक्विड में सस्पेंड रहते हैं, ना कि डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और जब हम उसको एक पेपर पर अप्लाई करते हैं तो जो उसका सॉल्वेंट है वो क्या हो जाता है, पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये सरफेस पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से उस पेपर पर हमें कलर दिखने लगता है। अगर हम पिगमेंट की बात करें एक इंक में, तो 5-30% पिगमेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें उस पर्टिकुलर इंक की कलर की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो पिगमेंट बेस्ड जो इंक्स होती हैं वो वाइडली यूज्ड होती हैं, जबकि इनकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है। और कॉस्ट हाई क्यों होती है, क्योंकि जब ये यूवी रेडिएशन की कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये जो फेडिंग होती है इंक को, उसको रजिस्ट करती है और इसके साथ साथ ये कलर पास्ट हमें देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं डाई बेस्ड इंक की। तो जो डाई बेस्ड इंक होती हैं, डाइज जो होती हैं वो सॉल्यूबल होती हैं, और सॉल्यूबल होने की वजह से इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है ओवर पिगमेंट। ठीक है, तो अब वाइड रेंज ऑफ कलर्स हमें मिल जाती है, इसके साथ साथ रिचर कलर भी ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जो कि डाई बेस्ड इंक होती हैं। एडिशनली इसके साथ साथ ये परमिट करती हैं उस इंक को पेपर में एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो कलर है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। दीज काइंड ऑफ इंक आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, एल्कोहल, अदर सॉल्वेंट्स। इसके साथ साथ जो ये इंक्स होती हैं, डाई बेस्ड जो इंक्स होती हैं, ये सॉल्यूबल नहीं होती हैं वाटर, एल्कोहल और अदर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, जिस इन्हीं सब खासियत की वजह से, या फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से डाई बेस्ड जो इंक्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं टू प्रिंट द मनी। ठीक है, एंड स्टॉप अदर फॉर्म्स ऑफ काउंटर फिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, और ये सॉल्यूबल नहीं होती हैं, इसी रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं डाई बेस्ड इंक को मनी को प्रिंट करने के लिए और काउंटर फिटिंग को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो डाई और पिगमेंट बेस्ड जो इंक होती हैं, डिपेंडिंग कि हमें किस टाइप का कलर चाहिए है, इस बेस पर हम वैरायटी ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास डाइज के, डिफरेंट। ठीक है, जो कि क्या करती है, इम्पार्ट करती है कलर, टू इम्पार्ट कलर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें रेड कलर की इंक अगर हमें चाहिए, ठीक है, अगर हमें चाहिए रेड कलर की इंक, तो हमारे पास एक डाई होती है ईओसीन डाई, जो कि एसिडिक नेचर की होती है। ये कलर को, ये रेड कलर प्रोवाइड करती है इंक में। सेम ऐसे ही हम बात करें कि हमें येलो कलर की इंक चाहिए, तो येलो कलर की इंक जो है वो टाट्राजीन नाम का एक सिंथेटिक फूड डाई होती है, उससे हमें मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें वाइट कलर इंक की, तो वो हमें टाइटेनियम ऑक्साइड डाई से मिलती है। इसके साथ साथ ट्राइएरिल मिथेन, जो कि ब्लू कलर की इंक हमें क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। तो ये हो जाती है बात कुछ डाइस की, जो कि हमें पर्टिकुलर किस टाइप का कलर प्रोवाइड करेंगी ये। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं व्हीकल, ऑल्सो नोन एज बाइंडर। ठीक है, जो बाइंडर्स होते हैं या फिर हम व्हीकल्स की बात करें, तो ये वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं पिगमेंट को एंड अदर कॉम्पोनेंट्स को, इंक के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, डाइज होती हैं, या फिर इनके साथ साथ जो अदर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उनको एडियर करने में विद द प्रिंटिंग सबस्ट्रेट एंड फॉर्म फिल्प ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो इंक के कॉम्पोनेंट्स हैं उन सबको आपस में एडियर करके रखती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक फिल्म बनाती हैं ओवर द सरफेस, और टू कीप द पिगमेंट यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन द फ्लूइड। और इसके साथ साथ इन बाइंडर्स का काम होता है कि जो भी पिगमेंट्स हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो यूनिफॉर्मली क्या रहें, डिस्पर्स रहें। ठीक है, तो जो ये पॉलीमर्स हैं, ये एक्सीलेंट स्टेबलाइजर्स का भी काम करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इंक में स्टेबलाइजर्स को ऐड नहीं करें तो क्या होगा, इंक के अंदर जो डाइज हैं उनके जो पिगमेंट है वो आपस में क्या कर सकते हैं, क्लम्ब कर सकते हैं, क्लॉटिंग कर सकते हैं, और क्लम्ब करने की वजह से क्या होगा, इंक जो है पेपर पर नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि वो सूख जाएगी, है ना, क्लम्पिंग बन जाएगी। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो पॉलीमर्स जो होते हैं बेस्ट स्टेबलाइजर्स होते हैं। ठीक है,
दैट प्रिवेंट क्लॉटिंग बाई एडियरिंग द मॉलिक्यूल्स एंड मूविंग देम फास्ट ईच अदर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक स्मूदर फ्लो भी देते हैं हमारी इंक को। अगर हम पास्ट टाइम की बात करें, है ना, मैनी ईयर्स एगो बात करें, तो जो हमारी इंक होती थी उसमें हम एज अ स्टेबलाइजर किसका यूज़ करते थे, प्लांट रेजिन और एग एल्बुमिन का यूज़ करते थे, ठीक है, एज अ स्टेबलाइजिंग पॉलीमर। बट हम बात करें 20th century की, तो एग एल्बुमिन और प्लांट रेजिन्स की जगह हम यूज़ करते हैं एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट पॉलीविनाइल एसीटेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो ये बात हो जाती है हमारी व्हीकल और बाइंडर की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरियर सब्सटेंस की, ठीक है। तो कैरियर सब्सटेंस अर्ली फॉर्म ऑफ राइटिंग इंक यूज्ड मोस्ट एबंडेंट लिक्विड सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ठीक है। अगर हम मोस्ट एबंडेंटली फाउंड लिक्विड की बात करें तो होता था हमारा वाटर, ठीक है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इन्वेंशंस होते रहते हैं तो हम चीज़ों को रिप्लेस करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यूज़ करते थे वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पेट्रोकेमिकल्स का हम यूज़ करने लगे, ठीक है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंटली पेट्रोकेमिकल्स के यूज़ पर वो लग गई रेस्ट्रिक्शंस, और रेस्ट्रिक्शन लगने की वजह से हम वाटर बेस्ड जो इंक होती है उन पर वापस से आ गए। तो अगर हम मोस्ट एबंडेंटली यूज्ड या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैरियर सब्सटेंस की बात करें तो वो जाता है हमारा वाटर, एंड इसके अलावा हो जाता है हमारा एल्कोहल। ये दो कैरियर सब्सटेंस को हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ कैरियर सब्सटेंस इन द इंक, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इंक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर एडिटिव्स की। अदर एडिटिव्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, इंक को मोर ग्लाइड बनाने के लिए, है ना, इंक की फ्लो रेट बढ़ाने के लिए, उसका जो ड्राइंग टाइम है उसको डिक्रीज करने के लिए, इसके साथ साथ जो प्रीमैच्योर ड्राइंग से रोकने के लिए, मतलब क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिटिव्स का यूज़ करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंक एंड इट्स इंटेंडेड एप्लीकेशन अ वाइड वेराइटी ऑफ एडिटिव मे बी यूज इन इट, ठीक है। अ फ्यू इन्ग्रीडियंट्स हैव अ इम्पैक्ट ऑन द थिकनेस फ्लो एंड ड्राइड अपीरियंस, ठीक है। तो कुछ इन्ग्रीडियंट जो है हम जिन्हें हम एडिटिव्स की तरह यूज़ करते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं कि इंक की थिकनेस क्या होगी, फ्लो क्या होगा, ड्राइड अपीरियंस क्या होगी, जबकि कुछ ऐसे एडिटिव्स की हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि इंक का बिहेवियर क्या होगा, जो ऑल्टर कर देते हैं इंक के बिहेवियर को, कि एक्सीलरेटिंग द इंक फ्लो, इंक का जो फ्लो है उसकी जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, उसका जो ड्राइंग टाइम है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, है ना। इस तरीके से हम एडिटिव्स का यूज़ कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं की इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि एक अगर हम बेसिक इंक की बात करें तो उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले पिगमेंट, जो कि हमें कलर प्रोवाइड कराता है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर का हो सकता है। इसके बाद डिस्पर्जेंट, जो कि सर्फेक्टेंट और पॉलीमर्स हो सकते हैं। पॉलीमर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, ताकि जो इंक है वो आपस में क्लब ना करे, जो पिगमेंट्स हैं डाइज हैं जो हम इंक के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो आपस में क्लम्पिंग को रोक सके, है ना, टू प्रिवेंट क्लम्पिंग। रेजिन्स एंड पॉलीमर्स टू इम्प्रूव बाइंडिंग, है ना, पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं बाइंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ह्यूमेक्टेंट्स टू रिटायर प्रीमैच्योर ड्राइंग, है ना, पेपर पर लिखने से पहले ही इंक ना सूख जाए, इसके लिए हम ह्यूमेक्टेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। सिम डिफॉर्मर्स एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का भी हम यूज़ कर लेते हैं, है ना। वेटिंग एजेंट, ताकि इन्हांस कॉन्टेक्ट विद द सब्सट्रेट, है ना, सब्सट्रेट के साथ जो इंक है उसका कॉन्टेक्ट इन्हांस हो जाए। पीएच मॉडिफाइडर्स, मतलब कि यूजुअली हम रेजिन्स का यूज़ करते हैं एज अ पीएच मॉडिफायर, और इसके साथ साथ हम फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए बायोसाइड्स एंड बैक्टीरियो स्टेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंक की, जिससे मैं सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इंक की, ऑल्सो नोन एज चाइनीज इंक। इंडियन इंक इज अ बेसिक ब्लैक और कलर्ड इंक दैट वॉज फॉर्मली वाइडली यूज फॉर प्रिंटिंग एंड राइटिंग, बट इज करेंटली मोर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर ड्रॉइंग एंड आउटलाइन, पर्टिकुलर फॉर इंकी कॉमिक बुक्स, ठीक है। इंडियन इंक जो है वो एक बेसिक ब्लैक या फिर कलर्ड इंक होती है, जिसको फॉर्मली या वाइडली हम यूज़ करते थे प्रिंटिंग और राइटिंग के लिए, ठीक है, जिसको पहले प्रिंटिंग और राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा वाइडली क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। बट अगर हम अब करेंट के टाइम की बात करें तो जो कार्बन ब्लैक इंक होती है, इंडियन इंक होती है या फिर चाइनीज इंक है, इसको हम ड्रॉइंग या फिर आउटलाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर जो हमारी कॉमिक बुक्स होती हैं उसमें इंकिंग के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की, तो ये जो इंडियन इंक है ये एक बेसिक फाइन सूट होती है, जिसको हम लैम्प ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। इसका मिक्सचर होती है विद वाटर, ठीक है, जिस
जिसकी वजह से क्या होता है, एक लिक्विड सॉल्वेंट हमें मिल जाता है। इंडियन इंक में क्या होता है, एक फाइन सूट या फिर लेड ब्लैक को हम डिजोल्व कर देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये पेस्ट दिख रहा होगा। सिंस द कार्बन मॉलिक्यूल्स आर इन कोलोइडल सस्पेंशन एंड फॉर्म अ वाटर प्रूफ फिल्म अपॉन ड्राइंग, ठीक है। ये जो कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं वो एक कोलोइडल सस्पेंशन के अंदर होने की वजह से क्या करते हैं, एक वाटर प्रूफ फिल्म बनाते हैं ड्राइंग के बाद। तो इसमें हमें किसी भी बाइंडर मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहे कि इंक की हमें ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है आफ्टर ड्राइंग, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बाइंडिंग एजेंट का यूज़ कर लेंगे, जैसे कि जिलेटिन, ठीक है। हम एक बाइंडर एजेंट का यूज़ कर लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिलेटिन, ठीक है। और मोर फ्रिक्वेंटली अगर हम बात करें तो हम जिलेटिन की जगह शेलिक का यूज़ कर लेते हैं। और इंडियन इंक जो है वो वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप के बाइंडर का यूज़ किया है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाउंटेन पेन इंक की। अब फाउंटेन पेन इंक जो होती है उसमें हम पिगमेंट्स का यूज़ ना करके डाइज का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और डाइज का यूज़ करने के पीछे एक रीज़न ये है कि डाइज जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, और सॉल्युबल होने की वजह से फाउंटेन पेन इंक के अंदर जो कैपिलरी एक्शन होता है वो डाई बेस्ड इंक का बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम पिगमेंट्स की बात करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा फाइन पिगमेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू इंक जो होती है वो पेपर पर मूव करती है, ठीक है। तो बिकॉज फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरी एक्शन, द मेजॉरिटी ऑफ फाउंटेन पेन इंक इज़ डाई बेस्ड, ठीक है। इसके साथ साथ जो फाउंटेन पेन इंक होते हैं उसमें हमारा कॉम्पोजिशन में वाटर, सर्फेक्टेंट्स, ह्यूमेक्टेंट्स, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स, कलर्स, ठीक है। और अगर हम परमानेंट इंक चाहते हैं तो हम उस केस में अपने वेरीफाइन पिगमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ साथ बायोसाइड्स टू एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट और डाइज का हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करें कि जो फाउंटेन पेन इंक्स होती है इसको हम टू टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लू ब्लैक परमानेंट इंक एंड सेकेंड वन इज़ सन नॉन स्टेनिंग इंक। ब्लू ब्लैक परमानेंट इंक जो होती है इसमें क्या होता है, हाफ कंसनट्रेशन होती है आयरन कंपाउंड की, ठीक है। हाफ कंसनट्रेशन आयरन कंपाउंड की होती है जिसमें एक इंक्रीज प्रपोर्शन होता है हमारे डाई स्टफ का। यही अगर हम बात करें नॉन स्टेनिंग की, तो कंसिस्टिंग नॉन स्टेनिंग जो फाउंटेन पेन इंक होती है इसमें कोई भी आयरन सॉल्ट नहीं होता है। इसके साथ साथ लिटिल मोर देन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, वन और मोर सिंथेटिक डाई स्टफ इसमें होता है, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये एक निब है, ठीक है। तो इस निब में जो इंक आती है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू आती है, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन इसमें यूज़ होता है, इसकी वजह से हम इसमें फाउंटेन पेन, जो मोस्टली फाउंटेन पेन इंक्स होती है उनमें पिगमेंट्स का यूज़ ना करके डाइज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम बॉल पॉइंट पेन इंक की, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन इंक जो होती हैं उनमें एक फास्ट ड्राइंग पेस्ट होता है रादर देन अ लिक्विड या फिर एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। द कलरिंग इज़ प्रोवाइड बाई अ मिक्सचर ऑफ डाइज, और जो इसका कलर होता है वो हम मिक्सचर ऑफ डाइज से प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें एक रेजिनस सब्सटेंस भी मिला देते हैं, दैट इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर द सॉल्वेंट इवेपोरेटेड एंड एक्स टू बॉन्ड द इंक टू द पेपर इज अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट। तो इसमें हम रेजिनस सब्सटेंस भी मिलाते हैं ताकि जब हमारा जो सॉल्वेंट है बॉल पॉइंट पेन का, जब वो इवेपोरेट हो जाए तो ये रेजिनस सब्सटेंस जो है पेपर पर इंक को क्या कर सके, एक बॉन्ड प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑयल्स आर फिनोक्सी इथेनॉल एंड बेंजिल एल्कोहल। तो अगर हम जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ऑयल है बॉल पॉइंट पेन के केस में वो क्या होता है, फिनोक्सी इथेनॉल या फिर बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। विच कम्बाइन विद द पिगमेंट और डाइज टू प्रोड्यूस अ स्मूथ ब्राइट और फास्ट ड्राइंग इंक, ठीक है। और इसको हम क्यों मिलाते हैं, ताकि ये जो है वो डाइज को क्या करा सके, एक स्मूथ ब्राइट और फास्ट ड्राइंग इंक में कन्वर्ट कर सके। दीज इंक्स आर नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ये जो इंक्स हैं बॉल पॉइंट पेन इंक जो है नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं। और इसमें अगर हम पाउडर की बात करें तो हाई टिंटोरियल पाउडर होता है, ठीक है। ग्लाइकोल और ऑयल बेस, ये दो टाइप के हमारे पास कॉम्पोजिशन होते हैं इन द केस ऑफ बॉल पॉइंट पेन इंक। प्रायर 1951 ऑयल बेस्ड जो इंक्स होती थी, ऑयल बेस्ड जो बॉल पॉइंट पेन इंक होती थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बट आफ्टर 1951 हम ऑयल बेस्ड इंक का यूज़ ना करके ग्लाइकोल बेस्ड बॉल पॉइंट
बॉल पॉइंट पेन इंक का क्या करने लगे, यूज़ करने लगे, ठीक है। तो आजकल के जो बॉल पॉइंट पेन आते हैं इनमें ग्लाइकोल क्या होता है, मेनली होता है एस एट द प्लेस ऑफ ऑयल बेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉगवुड इंक की। तो देखो ये क्या है, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये क्या है, लॉगवुड है, ठीक है, लॉगवुड ट्री है जिसकी चिप्स है ये। तो हम क्या करते हैं, इसका एक एक्सट्रैक्ट होता है हिमेटोजाइलिन, इसको किस में मिक्स कर देते हैं, क्रोमियम सॉल्ट के अंदर क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये लॉगवुड ट्री का एक चिप्स है, इससे हमें एक्सट्रैक्ट होता है हिमेटोजाइलिन, और हिमेटोजाइलिन को हम क्रोमियम सॉल्ट के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, लॉगवुड इंक बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या है, लॉगवुड चिप्स है, ये हमें कहाँ से मिलती है, हार्टवुड ऑफ द लॉगवुड ट्री जिसका नाम है हेमेटोजाइलम कैम्पेशियनम, ठीक है, हेमेटोजाइलम कैम्पेशियनम ये एक ट्री का नाम है, लॉगवुड ट्री, इसके हार्टवुड से हमें ड्राइव होता है लॉगवुड चिप्स, ठीक है। तो इसका एक एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं हेमेटोजाइलिन, और इस हेमेटोजाइलिन को हम क्रोमियम सॉल्ट के साथ मिक्स करके लॉगवुड इंक का क्या करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या है, हमारी लॉगवुड इंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन गॉल इंक की। तो जो आयरन गॉल इंक है, इसके अनदर नेम्स की अगर हम बात करें तो ऑल्सो नोन एज कॉमन इंक, स्टैंडर्ड इंक, या फिर आयरन नट गॉल इंक, ठीक है। इसके कलर की बात करें तो ये पर्पल ब्लैक या फिर ब्राउन ब्लैक कलर की इंक होती है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं विद कंबाइनिंग द टैनिक एसिड और आयरन सॉल्ट्स को, ठीक है। टैनिक एसिड और आयरन सॉल्ट्स को कंबाइन करके हम आयरन गॉल इंक का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्या है, आयरन नट गॉल है और इसके द्वारा प्रोडक्ट हुई इंक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ इंक की, तो जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं इनमें हम टोनर्स का यूज़ कर लेते हैं ना, ये ड्राई पाउडर होता है लेकिन होती तो वो भी एक टाइप की इंक है। सेम कैंसिलेशन इंक जो कि हम पोस्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पोस्ट को कैंसिल करने के लिए स्टाम्प पैड में एक पर्टिकुलर टाइप की इंक यूज़ होती है, यहीं पर टाइपराइटर इंक्स की बात होती है ना। तो ये हो जाती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंक। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ साथ आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।